हेलो गाइस, वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में। आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोग पहले ही समझ चुके हैं कि आज हम बनाने वाले हैं तुरई के फूलों की पकौड़ियाँ, और इसके ये फल पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन हम इनका पकौड़ी बनाने जा रहे हैं दोनों को मिक्स करके। और आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखिए हमने पकौड़ी कितनी ज़्यादा टेस्टी बनाई है, और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कैसी आप लोग को पसंद है, आप लोगों ने पहले खाया है कि नहीं। इसके लिए हमने पहले ही रात में काले चने भिगा लिए थे, और अब हम इन्हें इसे सब पूरा एक ही में मिक्स कर देंगे। इन्हें हम छान लेते हैं, पानी में से निकाल लेते हैं, और आप गाइस एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जिसने खाया है तो उसको क्या ही बताना कि कितना टेस्टी लगता है। तो उसके लिए हमने लिया, हमें तीखा तीखा बनाना है। आप अपने स्वादानुसार इसमें मिर्च डाल सकते हैं, अगर आपको तीखा पसंद है तो मिर्च ज़्यादा डालिएगा। और इसके बाद हमने मिर्च और लहसुन की जो चटनी है उसको पीस लिया है, और अब इसको उसी में सब एक ही पे डालते रहते हैं हम सारे मिक्सचर को। और उसके बाद हमने इसमें डाला है स्वाद को थोड़ा और चेंज और अच्छा बनाने के लिए, हमने डाले हैं इसमें भुजिया, कटा हुआ प्याज, और उसके बाद से थोड़ी हल्दी, थोड़ा नमक स्वादानुसार, और उसके बाद हम थोड़ा सा बेसन ले लेंगे। बेसन हमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, थोड़ा सा ऐड करना है, मिक्स कर लेंगे, देखते हैं अगर कम पड़ेगा तो दोबारा डाल लेंगे। और इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है थोड़ा, और उसके बाद से हमने इसमें मंगरेल ऐड की है, और थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर देते हैं, फ्लेवर थोड़ा यूनिक सा लगेगा। और उसके बाद हम इसमें सौंफ के कुछ दाने ऐड कर देते हैं, उसके बाद हम ऐड कर देते हैं इसमें ज़ीरा, और उसके बाद हींग, क्योंकि पेट का ध्यान तो अच्छे से रखना ही है तो हींग तो ज़रूर ही डलना है। तो अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स होने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, जो अब इसे हम कढ़ाई में डालेंगे। और ये देखने में देखिए कितना सुंदर सा दिख रहा है। इसके आप मन पसंद आप जाकर राउंड शेप चाहते हैं तो आप इसे राउंड भी बना सकते हैं, और इसकी लंबे में शेप चाहते हैं तो आप इसे अब शेप में, जो इस भी शेप में आप बनाना पसंद करेंगे आप वो बनाइए। वैसे मैं राउंड शेप ही बना रही हूँ, और इसको उंगली से थोड़ा सा पतला कर दिया है, और इसे हम गरम तेल में डाल देंगे। इसी तरीके से एक एक करके हम डाल देंगे, तो जब तक ये हल्का ब्राउनिश ना हो जाए इसे हमें तब तक तेल में पकाना है। और हमारी ऑलमोस्ट पकौड़ी खाने के लिए रेडी होने ही वाली है। अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरीके से हमारा मल्टी जो चैनल है तो उसी तरीके से न्यू डिश आती रहेंगी, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे क्रिस्पी पकौड़े बनके हो गए हैं रेडी, ये खाने के लिए एकदम ही रेडी हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं पकौड़े, और जो इसमें चने हैं ना ये ब्लैक वाले, ये उसका जो टेस्ट है ना वो होता है ना चार गुना ज़्यादा बनाना, वो बना देते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।